आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी दम आलू। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने 5-6 आलू ले लिए हैं और इसको उबाल लिया है लगभग 5 मिनट तक। उबालने के बाद हमने ये किया कि जब हम उबाल रहे थे तो उसके अंदर हमने नमक डाल दिया ताकि नमक जो है इसके अंदर खूब अच्छी तरह से पहुँच जाए। फिर उसके बाद जब ये आलू ठंडे हो गए तो हमने उसको छील लिया है। छीलने के बाद ये टूथपिक है, टूथपिक से हमने होल बनाए हैं। तो मतलब ये कि ये आपको करना क्या है, आलूओं में होल बनाएंगे एक एंड से दूसरे एंड तक ताकि इसके अंदर आपका मसाला और घी तेल खूब अच्छी तरह से पहुंच जाए। देखिए हमें अपने आलूओं को इस तरह से प्रिक करना है। जैसे आपने एक आलू लिया और यहाँ से आपने टूथपिक घुसाई और आर पार कर दी, इसी तरह से आपको खूब सारे इसमें सुराख बना देने ताकि इसके अंदर जो भी मसाला आप डालेंगे खूब अच्छी तरह से पहुंच जाए, घी तेल सब चीज़। बिल्कुल इसी तरह से आपको तमाम आलुओं में कर लेना है। अच्छा, अब हमें इसके लिए कुछ मसाले चाहिए। उसमें है, हमने लिया है 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच हमने सौंठ लिए ड्राई जिंजर पाउडर। इसके अलावा ये जो है हम सौंफ लिए साबुत और उसको मिक्सी पॉट में डाल करके चला दिया है। तो ये है हमारी 2-2.5 चम्मच के करीब सौंफ पाउडर और ये 1/2 चम्मच हमने जीरा लिया है और कुछ खड़े गरम मसालों में 1 काली वाली मोटी इलायची, 2 हरी इलायची और 2 लौंगे और 1 ये छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है 1.5 इंच का और यह है 1/2 चम्मच नमक। ये हम अपने जायके के हिसाब से कर लेंगे और ये हमारी है कश्मीरी लाल मिर्च जिसमें कि जो तीखी नहीं होती है, इसको लिया है हमने 1/2 चम्मच और अगर किसी को थोड़ा सा तीखा चाहिए तो आप इसमें 1/4 चम्मच जो हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं वाली मिर्च डाल सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, ये रेसिपी जो है आप सरसों के तेल में तैयार करें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और अगर नहीं है तो फिर आप रिफाइंड ही यूज़ कर लें या जो भी आपके पास है, लेकिन यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि गैस ऑन कर ली है और कढ़ाई चढ़ा ली है और उसमें अपने आलुओं को डीप फ्राई करने के लिए हमने ज़्यादा सा तेल ले लिया है। अब जब हमारा ये तेल गर्म हो जाएगा तो हम एक एक करके इसके अंदर अपने इन जख्मी आलुओं को जो फिर बेचारे आर पार से छिले हुए हैं इसमें डाल देंगे। पहले इसको हाई फ्लेम पर थोड़ा सा लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और फिर हम ये करेंगे कि 5-10 मिनट के लिए बिल्कुल फ्लेम को लो करके इसी तरह हम फ्राई होने देंगे ताकि ये अंदर तक खूब अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। हमारे आलू ये अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं और ये क्रिस्पी भी नज़र आ रहे हैं। ये देखिए अभी जब इस पर थोड़ा सा कलर आ जाएगा, ये मतलब थोड़े से गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे, तब हम फ्लेम को लो टू मीडियम करके 5 मिनट तक और फ्राई करेंगे ताकि ये खूब अच्छी तरह से अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। देखिए हमारे आलू जो है ऊपर से
गोल्डन ब्राउन से हो गए। तो अब हम इस वक्त ये करेंगे कि फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे ताकि ये खूब अच्छी तरह से अंदर तक पक सके। तो टोटल इसमें लगभग 10 मिनट के करीब लग जाएगा आपको इसको फ्राई करने। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब हम इसको निकाल लेंगे बाहर और ये जब ठंडे हो जाएंगे तो इसमें हम दोबारा से प्रिक करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने जब ये कच्चे थे बॉयल किए हुए थे जब किया था। वो इसलिए कि जब हम मसाला तैयार करेंगे तो वो ग्रेवी जो है इसके अंदर घुसे। और अभी ये हो रहा है कि ये फ्राई होने की वजह से काफ़ी हद तक ब्लॉक हो गए होंगे इसके सुराख जो हैं, तो इसलिए आप जो हैं जब ग्रेवी में डालने का वक्त आए तो इसको दोबारा से प्रिक कर लें। अच्छा, नमक के पानी में बॉईल करने से ये फ़ायदा हो गया कि हमारे आलू जो हैं अंदर से फीके फीके नहीं रहेंगे बल्कि वो पहले से ही नमक के पानी की वजह से नमकीन है। और ग्रेवी में तो हम डालेंगे ही, और बाकी आप देख लीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको रखना है। देखिए, अब ये हमारे आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब क्रिस्पी भी खूब हो गए। ये देखिए आवाज़ देखिए कैसे आ रही है। तो अब हम इसको निकाल देंगे बाहर। ये देखिए, मैंने अपने आलुओं को बाहर निकाल लिया। अब हम इसको रख देंगे साइड पे। और अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए अब इसी कढ़ाई में हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेंगे, लेकिन क्योंकि वो डीप फ्राई किया गया था तो इसमें तेल बहुत ज़्यादा है, तो हमें जितना लेना है 1 चम्मच आधा चम्मच उतना ले करके हम बाकी तेल वापस रख देंगे। देखिए, मैंने सारा तेल हटा दिया, बस आधा चम्मच हमने ये तेल ले लिया है बड़े चम्मच से, इस वाले चम्मच से। तो अब हमें ये करना है, तेल तो हमारे गर्म है ही, फ्लेम को अभी लो ही रखें क्योंकि अब हमें इसके अंदर डालने हैं मसाले। तो सबसे पहले हम जो हैं इसके अंदर डालेंगे ये जो मैंने आपको दिखाया था, हींग, हल्दी और धनिया पाउडर। और साथ में ये ज़ीरा, और ये देगी मिर्च, वही कश्मीरी मिर्च, और ये नमक। डालने के बाद हमारे मसाले जले नहीं, बहुत थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब पानी आप इसके अंदर डाल दें और इसको ऐसे फ्लेम को मीडियम कर लें और इसको 1-2 मिनट तक इसी तरह भूनें। डेढ़ दो मिनट भूनने के बाद अब हम इसके अंदर और चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें कि ये हमने आपको खड़े गरम मसाले दिखाए थे, इलायची और ये लौंग और दोनों तरह की इलायची, इसको हमने क्रश कर लिया है मोटा मोटा, बारीक नहीं करना है, इसमें डाल देंगे। साथ में ये सौंठ पाउडर इसमें डाल देंगे। और से ये है कि इसको खाने से हमें फायदा भी होगा कि जिसके दर्द वगैरह है जिस्म में, वो सौंठ और सौंफ वगैरह से सही हो जाएगा।
ये देखिए अब ये सौंफ पाउडर डाल दिया मैंने और इसको आपको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम कर लें। अब इस वक्त जो है आप नमक को टेस्ट करके देख लीजिए। पानी ज़रूर डाल लीजिएगा नहीं तो ये जो है जल जाएंगे आपके मसाले। थोड़ा सा पानी डाल लें इतना कि जो है ये मसाले आराम से भून सकें। देखिए अब इसने तेल छोड़ दिया, दो तीन मिनट हो गए तेल छोड़ दिया। तो अब हमें ये करना है कि जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे उसको डालना है। और याद करके फ्रिक ज़रूर कर लीजिएगा, मैंने कर लिया है, आप भी फ्रिक ज़रूर कर लें। फिर एक एक करके आप इसमें इन आलुओं को छोड़ दें। उलट पुलट कर इन आलुओं को इन मसालों के साथ मिक्स करें। फ्लेम मीडियम ही रखें। देखिए कितने आसानी से बन गई ये रेसिपी, लगभग बन ही चुकी है। बस अब हमें ये करना है कि इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, क्योंकि इस रेसिपी में पानी नहीं बल्कि तेल और मसाले नज़र आते हैं। आधे कप के करीब पानी डाल दिया है मैंने इसमें, फ्लेम को मीडियम रख दी। और चूंकि ये दम आलू है तो इसलिए हम कवर करके इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक इसे ऐसे ही पकने देंगे। 15 मिनट हो गए, चलिए अब हम खोल के देख लेते हैं कि हमारे दम आलू के क्या हाल है। अरे वाह, क्या सौंफ की खुशबू है, मज़ा आ गया। ये देखिए इसका पानी भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका और खाली तेल और ग्रेवी नज़र आ रही है। अब इसको जो है गर्म गर्म चावलों के साथ सर्व किया जाएगा, जब आएगा इसका असली मज़ा। तो चलिए हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। फ्लेम को ऑफ कर दें। ये लीजिए। अच्छा एक चीज़ और मैं ये कहूँगी कि अगर आपको बेबी पोटैटो मिल जाए, छोटे 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 वाले आलू जो होते हैं, तो और अच्छा है, क्योंकि ये बड़े हैं ना, तो इस वजह से जाहिर सी बात है आप जब इसे खाएंगे तो इसे बीच में से तोड़ना पड़ेगा। छोटे छोटे होंगे, एक उठाया तो खा गए। तो ये लीजिए हमारे दम आलू, कश्मीरी दम आलू बनकर तैयार हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें, मतलब ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जाएं और गरम गरम चावलों से इस मज़ेदार कश्मीरी दम आलू का मज़ा लें। मिलती हूँ फिर एक मज़ेदार रेसिपी।